क्योंकि अब वो घड़ी जिसका कि हमें इंतजार था सुबह से कि हमारे किसान हितैषी नेता हमारा मार्गदर्शन भी करें और निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा मन है किसान के लिए और अपने व्यस्त समय में से माननीय श्री कंवरपाल जी आज हमारे बीच में आए हैं। हम उनका वक्तव्य सुनेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कंवरपाल जी को कि वो आए और संबोधन करें। एग्रीकल्चर के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री जगराग डांडी जी, डॉक्टर समर सिंह जी, मेरचंद कंबोज जी, डॉक्टर मेहरा जी, डॉक्टर बी के कंबोज जी, डॉक्टर आर एस टाया जी, डॉक्टर बजरंग जी, डॉक्टर बलवान जी, डॉक्टर सतवीर जी, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, डीडीए यमुना नगर, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभव व मेरे आदरणीय किसान भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि ये किसान मेला यहाँ हमारे गांव में ही इसका आयोजन किया गया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि आज बहुत सी नई रिसर्च हो रही हैं तो इसमें वो कंपनियाँ भी भाग ले रही हैं और अधिकारी भी यहाँ हमारे बीच में। कई बार हमें लगता है कि हम तो सब कुछ जानते ही हैं, इनसे सुनने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन इनका अनुभव बहुत ज़्यादा है अधिकारियों का और ये नई नई खोजें उस क्षेत्र में ये काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं तो यदि हम उसकी जानकारी लेंगे तो निश्चित तौर से हमारे लिए वो लाभदायक रहेगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज खेती में नुकसान कर रही हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड है चाहे खाद है। आज से 20-25 साल पहले जो खाद की मात्रा थी वो बहुत कम डाली जाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली जा रही है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो कुछ ऐसी गलतियां हम करते जा रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के मामले में है, चाहे दूसरे और खाद के डालने में, कि कुछ ना कुछ गलती बारे से होती जा रही है कि जो कृषि की धरती की जो उत्पादन क्षमता थी वो घटती जा रही है। और दोस्तों यदि वो इसी प्रकार से घटती गई चलती रही तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या सबके सामने खड़ी हो सकती है। हमारे सामने तो खड़ी हो ही सकती है पर हर जीव जंतु के सामने खड़ी हो सकती है। हमारा काम ऐसा है, केवल हमारा काम हमारे ही लिए नहीं, हमारे ऊपर ही सारा सिस्टम डिपेंड है। चाहे कोई खेती करता है या ना करता है इसकी कोई बात नहीं, वो खेती करने और ना करने वाले तो है, लेकिन जो जीव जंतु है वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये जमीन इसी प्रकार से उसकी उत्पादक क्षमता कम होती रही तो आने वाले टाइम में, बहुत लंबे टाइम में हो सकता है बंजर भी हो सकती है। तो इसके लिए आज जागरूक होने की जरूरत है। पहले तो खाद डालने के लिए दूसरी चीजों के लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन अब आज ये बात समझ में आई कि ये नुकसान करने वाली चीज है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज जो होता जा रहा है गांव में, आप देख रहे हैं हमारे सबके बीच में एक परिवर्तन है कि जो पहले पशुपालन का काम था वो आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और कई बार हम हिसाब लगाते हैं कि भाई दो भैंस बंद हो गए इतने तक, उसमें एक किला एक एकड़ जमीन जो है वो घास के लिए रखनी पड़ेगी। अगर वही एक एकड़ का अगर ठेका लगाओ तो उसके ठेके के पैसे में ही हम सारा साल दूध खरीद सकते हैं। इस प्रकार की सोच डेवलप हो रही है और अगर ये सोच डेवलप होगी तो ये बहुत ही हानिकारक सोच होगी। दूसरी बात है कि आजकल जो हमारे पूर्वज थे उनका जो लगाव था पशु के प्रति वो अलग टाइप का था और आजकल जो नई जनरेशन है उसका लगाव पशुओं के प्रति लगभग ना के बराबर होता जा रहा है। उनको लगता भी है कि कौन इतने परेशानी ले, गोबर भी टाना पड़ेगा और सारे काम दूसरे ऐसे हैं जो उसको अपने स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं लगते। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सिग्नल है
सबके लिए, क्योंकि धरती को रिचार्ज करने के लिए जो गोबर की खाद है, जो पशु के गौत से गोबर से जो खाद पड़ती है वो बहुत ही जरूरी है। जब ये देसी खाद, जब ये अंग्रेजी खाद नहीं भी था, तब भी जो हमारे वेद हैं उनमें भी यही कहा कि जो धरती का भोजन है वो जो गोबर है उससे जो खाद बनता है वही धरती का भोजन है। तो अगर वो सिस्टम हम बंद कर देंगे, पशुपालन का सिस्टम बंद कर देंगे, तो धरती रिचार्ज नहीं होगी। और जैसे आप रोजाना देखते हैं आपका इन्वर्टर है, बिजली आती है, रिचार्ज होता है, फिर वो चलता है और उसके बाद उसकी चार्जिंग समाप्त हो जाती है। तो जब तक चार्जिंग रहेगी तब तक इन्वर्टर काम करता है। तो धरती का भी यही, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, उसकी चार्जिंग बहुत देर में खत्म होगी। तो जब खत्म हो जाएगी तो फिर चार्जिंग भी उतनी देर में ही होगी। देर में खत्म तो होगी लेकिन चार्ज करने के लिए भी तो मेरा ख्याल है कुछ बचने का नहीं, चार्ज करेगा कौन इसको? और फिर पता नहीं हजारों लाखों साल में ये दोबारा रिचार्ज होगी। तो ये बहुत ही एक खतरनाक है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो सिस्टम पहले हमारे पूर्वज जिस प्रकार से कर रहे थे कि देसी खाद बनाना चाहिए, उसको खेत में डालना चाहिए। आजकल तो हर आदमी की परेशानी है, अगर बनाए भी ले तो फिर डालने वाला कोई नहीं है, और डाल ले तो फिर खिटाने वाला उसने खेत में कोई नहीं है। हर आदमी मजदूर भी ये कहता है कि साहब खाद नहीं मैं ठाणे का, देखो साफ सी बात है। तो एक इस प्रकार का प्रचलन जो है ये बहुत ही खतरनाक है। और इसकी भी आज यहाँ वैज्ञानिक बैठे हैं कि इसके बारे में भी वो खोज करेंगे कि क्या तरीका इसका अपनाया जा सकता है ताकि जो समस्या रही उसका समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में भी विचार करेंगे। जहां तक पराली जलाने की बात है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि हमारे इलाके में बहुत कम है, ये बहुत कम लोग हैं जो पराली जलाने का काम करते हैं। पर ये पराली जलाना, पत्ती जलाना जो भी है, हम भी जलाते थे और हमें भी ठीक लगता था। हमें लगता था कि राख बन गई और राख का खात लगेगा, लेकिन वास्तविकता में जमीन के लिए बेहद नुकसानदायक है। अब ये आप एक बात देखो कि कुम्हार अंडी पकाता है, तो आंच में जब अंडी पक जाती है या भट्ठे में ईंट पक जाती है तो फिर वो कोई चीज उत्पादन नहीं कर सकती। आप उसको चाहे पीस लें, आप कुछ ईंटें लें और उन्हें पीस लें, कहीं रख के उनमें बीज डाल दें, तो कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उनका प्राण खत्म हो गया। और प्राण वही देगा जिसमें अपना प्राण हो। धरती में अपना प्राण है तो वो आगे जितने भी वृक्ष हैं उनमें वो प्राण देती है, लेकिन जब उसका प्राण खत्म हो गया, अपना प्राण खत्म हो गया, उसको हमने जला दिया, तो फिर वो किसी में प्राण नहीं दे सकती। तो ऐसे ही खेती में भी है, जब हम पत्ती को फूंकते हैं, पराली को फूंकते हैं या गेहूं के उसको फूंकते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर कुछ कण होते हैं जो इतने ही सख्त हो जाएंगे, जैसे अंडी है, ईंट है, जैसे उसका कण है उतना ही सख्त हो जाएगा वो। और वो जब हम एक बार फूकेंगे हमें कहीं नजर नहीं आता, दो बार फूकेंगे नजर नहीं आता, तीन बार फूकेंगे नजर नहीं आता, लेकिन जब लगातार हम 50-100 बार फूक देंगे तो फिर वो धरती निर्जीव हो जाएगी ऊपर, क्योंकि वो कण बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे। और जब वो कण बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे तो धरती उत्पादन करना बंद कर देगी। ऐसे ही पेस्टिसाइड का है कि जो पेस्टिसाइड हम डालते जा रहे, जो हमारे मित्र कीट है वो मरते जा रहे, समाप्त होते जा रहे। तो एक दिन ऐसे ही सारे जो काम हम करते जा रहे ये ऐसे हैं जो नेगेटिव हम करते जा रहे, तो इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अब दोस्तों अगर ये जमीन बंजर हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा